हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तुम बेवकूफ बना सकते हो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, परंतु सभी को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों पर इबारती प्रश्न। तो देखिए आज का पहला सवाल, किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी, तो वो वैल्यू इसमें कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं, किसी धनराशि का 5/12 का माने गुणा होता है। तो मान लेते हैं धनराशि कितना है, एक्स का 5/12, वो बराबर कितना है 100 रुपए के 3/4 के। तो आप यहां लिखिए 100 रुपया, 3 सही 3/4, तो 4 3 12 3 15/4, तो ये हो गया आपका। तो यहां से 5 3 15 जल्दी से काट दीजिए और 4 3 12, तो ये 3 3 9, 9 × 100, एक्स इक्वल टू 900 रुपया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से कहीं आएगा तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस धनराशि का 5/12, किस मतलब एक्स मान लेते हैं, एक्स गुणे 5/12 का माने गुणा होता है 100 रुपए के 3 सही 3/4 के बराबर होगी। तो बराबर का चिन्ह लगाइए, 100 × 3 सही 3/4, तो 4 3 12 3 15/4, ये 900 रुपया आया। तो भाई ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। किसी संख्या का 1/3 75 हो, हाँ देखा, किसी संख्या माने एक्स, एक्स का 1/3 क्या है 75 है, एक्स का 1/3 करेंगे तो 75 के बराबर होता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेना चाहिए, 3 × 15 = 5, फिर गुणा करिए 3 × 15 = 5, हजले 3 से 21 = 22, 225 आया टोटल। तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। अब इसका कौन सा हिस्सा, मान लेते इसका हिस्सा वाई है, वाई 45 के बराबर होगा, तो 225 गुणे वाई बराबर कितना 45, तो वाई बराबर हो जाएगा 45/225। ये देखिए आप पहले क्या 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 4 20 5 5 25, 9 1 9 5 5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए तीसरा सवाल कह रहा है 1980 रुपया ए बी सी में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग कमा बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, सम का ताल्लुक यहां समान से है, सम है, तब बी का मान है, बी का मान कितना होगा। इसमें देखिए ध्यान से सुने जल्दी जल्दी, ए का आधा भाग तो ए गुणे 1/2 हो गया, बराबर है बी के 1/3 भाग के, तो बी गुणे 1/3 हो गया, बराबर है सी के 1/6 भाग के, वो कह रहा बराबर है। तो इसका मतलब होता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 2:3:6 के हो जाएगा, ये मतलब है यहां पे कि ये हो जाएगा। तो बी वाला भाग कितना है 3, तो ये 3/3 योग होता है 6 3 9 2 11 गुणे टोटल रुपया से गुणा कर दीजिए, आपका बी का भाग आ जाएगा, बी का भाग बराबर, तो टोटल है 1980, तो 11 1 11 8 88 180 18 3 54 540, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। तो सवाल तो बड़े जल्दी से लग जाएगा। एक बात और, लड़के यहां कंफ्यूज होंगे कि ये 2:3:6 यहां क्यों लिखे। अगर ये इस टाइप से दिया गया होता, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/3:1/2 1/2:3:1/6, इस टाइप का केस होता तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। सवाल मेरा हल हो गया, लेकिन फिर भी समझिए ये इसी का बटा आपस में दिया है, तो यही 2:3:6 के अनुपात में बटेगा,
इसका नियम, इसका मतलब होता है ए वाला 2x है और बी वाला 3x है, सी वाला 6x है, तो 3, 2, 5, 6, 5, 11 टोटल होता है। और इसका अलग अलग वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ए का भाग कोई पूछे तो 2/11 गुणे टोटल रुपया कर देंगे तो एक भाग आ जाएगा, बी का भाग कोई पूछेगा तो 3/11 गुणे टोटल रुपया गुणा कर देंगे बी का हिस्सा पता चल जाएगा, सी 6/11 गुणे टोटल 1980 तो ये आएगा सी वाला भाग आ जाएगा। तो अलग अलग भाग का कितना हिस्सा है जब 3 रुपया जोड़ लेंगे फिर 1980 के बराबर आएगा। तो इसका ये मतलब होता है बटा के रूप में अगर दिया है तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। अगर इस टाइप का चेहरा दिया है कहीं पे, इसका मतलब ये होता है कि इसका हर हमें इक्वल करना होता है, हर इक्वल करने के लिए इसमें 6 LCM होगा, 6 से 3 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, जब आप 6 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 3 2 6 और 6 1 6 तब ये रेशियो आएगा। तो इन दोनों में अंतर है, ये आप सावधानी बरतें। तो चलिए ये तो हो गया, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो मान लेते हैं संख्या x है, प्रारंभिक वाला केस है x गुणे 5/3 है, और बाद वाला केस है x गुणे कितना 3/5 है, ठीक है, कितना प्रतिशत 200 हुआ, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100 परसेंटेज, खराबी या अच्छाई या कुछ भी ज्ञात करना हो परिवर्तन चाहिए, तो 5x/3 - 3x/5 प्रारंभिक माने पहला वाला केस, x मतलब वही 5x/3 इतना गुणे 100। यही विद्यार्थी हल कर लीजिए, तुरंत आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। यस, चलिए 5 3 15 LCM होगा ऊपर, तो 3 5 15 5 3 15 3 9x/LCM कितना आया, 5 3 15 इतना आया गुड़े, ये बटे इतना है ना ये पलट जाएगा, 3/5x/100। यस, ये तो जल्दी से मैं और भी कर सकता हूं, तो 25 से 9 कितना आएगा 16 16/15 एक्स कामन है कट जाएगा, 16/15 गुड़े 3/5 गुड़े 100 एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15 5 25 25 4 100 16 4 64% आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस टाइप का कोई भी सवाल हो, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुड़े 100 हमेशा आपको ये काम हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि कमी कुछ भी परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन तन बराबर परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100। तो इससे कोई भी चीज मतलब, क्योंकि हमेशा प्रारंभ की तुलना में ही कोई आदमी तरक्की करता है, कोई आदमी पतन होता है किसी का, जो होता है वो इनिशियल की तुलना में, हाई स्कूल की तुलना में आप इंटर में ज्यादा नंबर पाए या कम पाए, तो तुलना कहां से किया जाता है, हाई स्कूल से। उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है यहाँ पे, पहले कोई संख्या x है उसमें इसने गुणा करने बजाय उतना कर दिया तो कितनी परिकलन में कितना दोष आया, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100 यहां पता चल जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 5 है विद्यार्थी, ध्यान से सुने, किसी संख्या के 1/10 भाग को लाल रंग जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला रंग तथा शेष भाग को बैंगनी रंग जाता है, यदि छड़ के बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई है। तो ऐसे केस में माना छड़ की लंबाई कितना मांग लेंगे x, तो टोटल लंबाई तो x है, x ही भाग अलग, x लंबाई का कोई छड़ है उसमें अलग अलग लंबाई जो है अलग अलग कलर में रंगा हुआ है, तो पूरे का 1/16 भाग लाल है,
तो यक्ष का 1/16 भाग लाल है और पूरे का 1/20 भाग नारंगी है, सॉरी पूरे का 1/10 भाग, पूरे का 1/10 भाग लाल है और पूरे का 1/20 कितना है, नारंगी है। 1/20 आपका नारंगी हो गया और 1/30 पीला है, 1/30 पीला है और 1/40 हरा है, 1/40 हरा हो गया और 1/50 नीला है और 1/60 काला है। 1/60 भाग क्या है, काला है, ये भी ठीक है। शेष भाग बैगनी है लेकिन बैगनी की लंबाई दे दिया 12.08 मीटर, तो ये टोटल लंबाई यक्ष है। एकर 1/10 भाग लाल है, 1/20 भाग नारंगी है, 1/30 भाग पीला है और 1/40 भाग हरा है, 1/50 भाग नीला है, 1/60 भाग काला है और बाकी काला के बाद शेष भाग बैगनी है। और बैगनी कितना लंबा है वो हमको छड़ का बैगनी वाले भाग की लंबाई कन्फर्म कर दिया है कि इतना ही है। तो ये कह रहा है छड़ की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो बस खत्म, यक्ष अगर निकाल ले जाते तो वही आपका आंसर। देखो कितना बड़ा लग रहा है, तो बड़ा है भी, बड़ा है भी। तो चलिए यहां से तो यक्ष का मान ले लेते हैं। अब ये गिनती को आप जोड़िए तो इसका एलसीएम 10, 20, 30 ये सब 60 तक का जोड़ रहे हैं हम, तो इसका एलसीएम देखिए 600 ले लीजिए, सब कट जाएंगे। तो यक्ष को बाहर रखो तो यहां आया 60 और 0, 30 × 60 यहां आएगा 30 और यहां 0 कटा, 3 × 6 = 20 आया, यहां 0 कटा 60, 15 × 60 यहां 15 आया और 0 कटा 50, 5 × 5 × 10 12 आया और ये आया 60, 10 आया तो यहां 10 आया रहा, इतना हो गया, यहां 12.08 आ रहा है। यस, इसको जोड़ना है विद्यार्थी, यही काम करना है, सफाई से आप जोड़िए। देखिए पहले पूर्णांक वाले जोड़े थे 60, 30, 90 और 60, 90, 10, 100, 120, 120, 10, 130, 10, 140, 5, 2, 7, 147 तो 147 × 600 मेरा यहां पे आया और प्लस 12.08 है। देखिए विद्यार्थी कुछ सवाल जो है कैलकुलेशन के लिए होते हैं, यस बराबर है। अब इसको इसको इस तरफ ले जाकर घटा लीजिए तो 1 − 147 / क्या हो जाएगा 600 = 12.08 इतना आ रहा है। अब यही एक आंसर है। तो कुछ सवाल 20% सवाल जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। 600 में से 147 घटावे कहे, 600 − 147 घटाना है, आप घटा लीजिए 600 − 147, 10 में से 7 = 3, 9 में से 4 = 5, यहां 5 से 4, 453 आ रहा है, 453। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिखूं, तो यक्ष गुणे 453/600 = 12.08। तो यक्ष बराबर करना चाहिए तो 12.08 × 600/453। यस, ये अगर 2 शून्य में हटा दूं तो ये दशमलव हट जाएगा, मतलब 100 से गुणा करने पर 2 दशमलव हट गया। अब ये हो गया 6 से, तो 3 × 6 3 से काट दो, पहले 3 × 3 = 15, 3 × 1 = 3 ये कट गया और 15 × 8 = 120, 1 × 8 = 8, 151 × 8 = 1208, 8 × 2 = 16, 16 मीटर लंबाई आया। तो 16 मीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ये 16 मीटर आपका आया है। तो विद्यार्थी बहुत आसान था, सवाल हल हो गया है।
अब एक मिनट तो लगेगा जब आप हल करेंगे, तो ऐसे सवाल में एक मिनट समय लग जाएगा। स्पीड से करेंगे टोटल लंबाई, वो अलग अलग भाग दे दिया है, ये इस कलर इतना भाग इतना कलर का, इस भाग इस कलर का, इस भाग इस कलर का, इतना भाग इतना कलर का, लास्ट में बैगनी कर दिया, लेकिन बैगनी की लंबाई भी दे दिया। तो इतना पोर्शन में अननोन वाला जोड़ के उस तरफ टोटल में से ले जाके क्या कर दिया, टोटल में से ये वाला जोड़ के ले जाके हटा दो, जैसे यहां बाहर रहेगा तो इतना आ गया, और तिरे गुणा कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो आसानी से कैलकुलेशन देखिए हो जा रहा है, तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, छठवां सवाल देखा जाए, छठवां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी का आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष रहते हो तो उसकी आय बताइए। तो हम मान चलेंगे उसकी आय कितना है, 100 रुपया है, तो 100 हमारे पास टोटल रुपया है। अब यही टोटल का क्या करता है, अलग अलग जगह पे खर्चा करता है, इसका 1/3 भाग भोजन पर, तो 100 × 1/3 हो गया प्लस, और इसका 1/3 अपनी आय का 2/5 भाग मकान पर खर्च करता है, तो 100 का 2/5 भाग मकान पर खर्च किया, और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़े पर, तो टोटल का 1/5 भाग कपड़े पर खर्च करता है, तो 3 × 1/3 = 1/3, 2/5 = 1/5 कपड़े पर खर्च करता है, अभी भी उसके पास 400 रुपया है, तो बस खत्म। टोटल रुपया आपका एक्स था, और एक्स का 1/3 वो मकान पर, 2/3 भोजन पर, मकान पर, कपड़े पर, उसके बाद 400 रुपया उसके पास हर महीना बच जाता है, तो टोटल पैसा ही कुल वेतन के कहा जाएगी बराबर, बस खत्म हो गए विद्यार्थी। तो अब आपको क्या करना है, जोड़ना है एक्स बराबर, यहाँ एक्स वाला पहले जोड़ लीजिए, ये तरफ ले भी जाना है, ये 5 × 3 = 15 से एलसीएम हो रहा है, 3 × 5 = LCM 15, तो 5 × 3 = 15, तो 5x + 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 5 × 3 = 15, 3x, ये तो इतना हुआ यहाँ, और प्लस 400 आपका है ही है, तो ये उस तरफ ले जाके घटाना होगा, घटाएंगे तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये देखिए तो 6 × 3 = 9, 5 = 14, ये हो जाएगा 14/15 = 400, ये एक्स वाला इकट्ठा कर लो, टोटल में से ये वाला घटा लेंगे तो 400 बराबर कर दीजिए, तो आया एक्स गुड़े 15 × 14 = 1, 1/15 आया बराबर 400 रुपया, तो एक्स बराबर 400 × 15, 15 × 4 = 60, 6000 रुपया आया। इनकी कमाई कितनी थी, 6000 रुपया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये 6000 रुपया आया इनका, यस। तो बस इस टाइप का सवाल बड़ा आसान भी होता है, शायद परीक्षा में लोग पूछते भी बहुत ज्यादा है, तो टोटल रुपया लेके चलिए, टोटल रुपया कहाँ कहाँ खर्चा होता वो बताइए, अगर किसी उस महीने में कुछ रुपया बच जाता तो वो भी लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों सब मिला के टोटल यही तो एक्स के बराबर है टोटल रुपये के, तो आपका ये सवाल यहाँ पे हल हो गया, इसे काफी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सातवां सवाल देखा जाए, सातवां सवाल कह रहा है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब भिन्न क्या है, भिन्न एक्स अपान वाई है, एक भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, कोई भिन्न दे दिया जैसे 1/2 का 6/7 कितना होता है, तो नियम यह है कि 1/2 × 6/7 किया जाए तब जाके पता चलेगा, तो 6 इतने का 6/7 माने 6/7 से क्या किया गया, गुणा किया गया, तो गुणा किया गया तो 6x/7y आया, चलिए ठीक है। अब ये क्या किया गया, ये पहला भिन्न हो गया, दूसरा वाला कह रहा है वह गुणा करने के स्थान पर उसने क्या कर दिया, इस भिन्न में 6/7 से भाग दे दिया, तो जब हम भाग करते हैं तो आ रहा है 7x/6y आ रहा है, 7x/6y आ गया, जब हम भाग कर दिए तो वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यस। अब वो वैल्यू ज्यादा हो गया, अब वो कह रहा है सही उत्तर से 13/70 अधिक आता है, सही उत्तर से 13/70 अधिक आता है,
13 बटे 70, ये आप ध्यान दीजिए सही उत्तर से 13 बटे 70 अधिक आता है। तो अब बताइए इसमें से ये वाला ज्यादा कि ये वाला, तो इसका हर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है बड़ी हो जाएगी। तो ज्यादा आता है मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लीजिए तो ये बराबर कर दीजिए। तो 7x बटे 6y माइनस 6x बटे 7y, ये 13 के बराबर कर दीजिए। x अपान y जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो 7 बटे 6 माइनस 6 बटे 7 बराबर 13 बटे 70 है, कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। हाँ यस, तो 6 सते 42, 42 एलसीएम हो गया, 6 सते 42, 7 सते 49, 7 छक 42, 6 छक 36 बराबर 13 बटे 70, तो ये कैलकुलेशन करना है भाई आपका। हाँ तो 9 में से 6 गए 3 हो गया, 9 में से 6 गए 3 और 13 बटे 42 आ रहा है बराबर 13 बटे 70, तो ये बड़ा अच्छा आया, अंश से अंश आपका कट गया। तो 42 बटे 70, तो x अपान y बराबर आ रहा है 42 बटे 70, तो 42 ऊपर जाएगा 42 बटे 70 और 7 छक 42, 7 दहामे 70, ये आएगा 2 तिहाई 6, 2 बच्चे 10, 3/5, 3/5 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी कितना दिया है 3/5, तो विद्यार्थी काफी आसानी से हो जाएगा। कह रहा है कोई भिन्न है उसमें 6 बटे भिन्न का 6 बटे 7 बताने को कहा गया, तो भिन्न का 6 बटे 7 कितना 6x बटे 7 वाई हो गया। चलो लेकिन उसने क्या कर दिया, भिन्न में 6 बटे 7 से भाग दे दिया, तो भाग देते हैं तो इतना आ जाता है। वो कह रहा ऐसा करने से उत्तर 13/70 ज्यादा आता है, तो ज्यादा आता है जिसका मतलब वैल्यू बढ़ गई बाद वाली, तो बाद वाली में से कम वाली क्या कर देंगे घटा देंगे, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो ये घटाने का कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह आप कितनी स्पीड से लेते हो, कैलकुलेशन कितना मजबूत है, ये आप पर डिपेंड करता है, हम तो यहां समझा रहे हैं। यस, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आठवां सवाल देखा जाए। आठवां सवाल कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की 4 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, ये क्वेश्चन है लास्ट सवाल आज का। तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, इसमें कोई आशंका नहीं, x का 3/5 लड़कियां हैं, तो ये लड़कियां मतलब गर्ल यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो x गुणे 3/5 ये तो गर्ल हो गया, ठीक है। किसी का कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के हैं, शेष लड़के तो शेष मतलब तो बॉय कितना हो जाएगा, x माइनस 3x/5 आपको घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 3 गए ये 2x/5 भैया, इतना गर्ल हो गया इतना बॉय हो गया, कक्षा में टोटल इतने लोग हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है x है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/5x/5 मतलब x ही आ रहा है टोटल विद्यार्थी। अब आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या है 3x/5, लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित मतलब अब्सेंट लिख रहा हूं मैं, ये मतलब अनुपस्थित है। हाँ 2/9 भाग अनुपस्थित रहते हैं और लड़कों की संख्या के 2/4 भाग अनुपस्थित करते हैं, लड़कों की अब्सेंटी ये गर्ल की है और ये अब्सेंटी है बॉय की, तो बॉय की संख्या जो है 2x/5 है, इसका 1/4 भाग क्या रहते हैं अब्सेंट रहते हैं, इसका 1/4 भाग अब्सेंट रहते हैं, तो 2×2=4 मतलब 1/10 स्टूडेंट हैं, लड़के हैं ऐसे जो क्या रहते हैं अब्सेंट रहते हैं, तो टोटल कितने अब्सेंट रहते हैं, तो जाहिर उन्हें जोड़ लिया जाए, टोटल अब्सेंट टोटल अनुपस्थित छात्र जो विद्यालय नहीं आते हैं यही इतने लोग हैं, इनको जोड़ लिया जाए, यहां से भी सरल कर सकते हैं, तो 3×9 तो 2x/15 हो जाएगा, 2x/15 लड़के हाँ गर्ल अनुपस्थित रहती है विद्यालय में, और ये कितना हो जाएगा 1/10 लड़के जो है विद्यालय में नहीं आते, तो टोटल अब्सेंटी इतना है, तो चलो भाई जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा 30 एलसीएम ले लें दोनों कट जाएगा, 15×2=3, 2×2=4
4x प्लस 10 दिया 3x, आ रहा है 7x/30। टोटल अनुपस्थित आ रहा है, तो टोटल अनुपस्थित आ गया तो जाहिर है कि टोटल में से घटा लिया जाए। टोटल में से अगर आप घटा लेते हैं तो टोटल है x, तो उपस्थित छात्र परसेंट स्टूडेंट जो होंगे तो टोटल में से टोटल अनुपस्थित वाला घटा लेंगे तो यह है 7x/30। तो ये हो जाएगा आपका, तो 30 एलसीएम लेंगे, 30x-7x, तो 30 में से 7 गए 23x/30, 23x/30। तो भाग बराबर कितना भाग, कितने भाग, तो कुल का 23/30 भाग क्या है, विद्यार्थी उपस्थित है। किसी विद्यालय में टोटल संख्या का 23/30 भाग प्रेजेंट है विद्यार्थी क्लास में, तो भैया वो कह रहा है किसी विद्यालय में, सवाल मेरा समाप्त हो गया। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। हाँ तो यहां देखें, किसी क्लास में टोटल विद्यार्थी यक्स थे और गर्ल में कुल का 3/5 भाग थे और बॉय लड़के जो थे वो कुल का शेष भाग लड़के थे, कुल संख्या का 3/5 भाग लड़की और शेष भाग लड़के, शेष मतलब आप टोटल में से लड़की वाला संख्या घटाएंगे तभी तो शेष भाग आएगा, तो ये 2/5 भाग है। तो अभी लेकिन ये कह रहा है कि लड़की, ये गर्ल लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग अब्सेंट रहते, वो विद्यालय ही नहीं आते, तो लड़कियों की संख्या ये है, इसमें 2/9 से गुणा कर दिए तो इतना भाग अनुपस्थित है, विद्यालय नहीं आते। और लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अब्सेंट रहते हैं, तो लड़कों की संख्या ये, इसमें 1/4 गुणा कर दिए तो ये अब्सेंट हो गया। टोटल अब्सेंट ये दोनों जोड़ लीजिए, टोटल अब्सेंट आ गया इतना। अब कहते कितने लड़के स्कूल में है, तो कुल में से अब्सेंट जो विद्यालय नहीं आ रहा है उसको आप घटा दीजिए, तो जब हम घटा देते तो हमें हमारा आंसर ये यक्स में मिलता है, मतलब टोटल का 23/30 भाग जो है विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आए स्टूडेंट, यस। तो ये आपका सवाल हो गया विद्यार्थी। तो आज के कंसेप्ट पर हमें जितना सवाल बताना था हम बता चुके, आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।